नमस्कार, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं न्यूज 27। तरह का मामला है और इतने लोगों को यहाँ पर क्यों आना पड़ा? आज एक्चुअली 127 लोग जिला पुलिस अधीक्षक समय पक्ष परिवार प्रस्तुत करने प्रस्तुत हुए। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उदयपुर में श्री साई मैन पावर कंपनी करके, जिसने प्रगति मिशन और नवनिर्माण फाउंडेशन के नाम पर गरीब बेरोजगारों से शिक्षक के पदों पर भर्तियां निकली है, ये कहकर 875 लोगों से 5-5 हजार रुपए वसूल किए। और जब ये लोग महीने पर बाद सैलरी लेने के लिए पहुंचे तो इनको टालम टोल करते रहे और टालम टोल करके इनको टालते रहे, और बाद में इनको मालूम पड़ा महीने पर बाद, और जब लेट आए तो यहाँ तो ऑफिस ही बंद हो चुके थे। कुल मिलाकर इन्होंने गरीब बेरोजगारों के साथ, जो राजस्थान में करीब 24,000 और उदयपुर जिले में करीब 875 लोग हैं, राजस्थान में देखा जाए तो 12 करोड़ और उदयपुर में देखा जाए तो करीब 37 से 40 लाख रुपए तक का गबन इनके द्वारा किया गया है। कौन कौन लोग हैं और किस तरह का बैकग्राउंड है उनका? कुल मिलाकर ये है कि, ये बताने से पहले मैं ये कहूँगा कि इन लोगों ने जो ये प्लान किया, नवंबर 2017 में इन्होंने एक एड दी थी अखबार के अंदर, जिसमें इन्होंने वर्ल्ड बैंक का नाम इस्तेमाल करके कुल मिलाकर ये बताया 24,000 शिक्षकों की भर्ती है, और 2-3 महीने रेगुलर उस एड को सोशल मीडिया पर वायरल करते रहे। और फिर जब लोग काफ़ी संख्या में इनके पास फ़ोन आने लगे, फ़ोन आने के बाद जब इन लोगों ने यहाँ पर ऑफिस खोला, ऑफिस में लोगों को बुलाया, तो इनको कुल मिलाकर एक वर्ल्ड आईसीआईसी बैंक की $210 मिलियन, जिसकी आज की तारीख में कीमत इंडियन करेंसी के अनुसार 15,18,40,50,000 रुपया होती है, इनको दिखाई। और एक वर्ल्ड बैंक का एग्रीमेंट दिखाते हुए ये कहा कि हर वर्ष हमको ये राशि मिलेगी और इस राशि से ही आपको सैलरी मिलेगी और आपको स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को पढ़ाना है। यह कह के इन्होंने लोगों से 5-5 हजार रुपए लेके भर्तियां की, जिसकी एवज में इनको रसीदें दी गई, जॉब ऑफर लेटर दिए गए, 12,500 रुपए की फिक्स सैलरी दी गई, लेकिन कुल मिलाकर इनके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी का रूप की है। किस तरह के लोग थे, क्या बैकग्राउंड है इनका? कुल मिलाकर ये नसाई साइमन पावर प्रगति मिशन, इसके अलावा नवनिर्माण में करके उदयपुर से आरिफ खान पठान, वसीम खान पठान के प्रमुख रूप से नाम सामने आ रहे हैं। इसमें जयपुर से साइमन पावर का जो बंदा है, जिसका नाम है सीताराम, जिसने खुद की वाइफ को पार्टनरशिप में ऐड करके इस मात्र पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कराई, जिसको बताया उसने सभी को एनजीओ। अभी आप श्रीमान पुलिस अधीक्षक के महोदय के साथ समक्ष पेश हुए, क्या आश्वासन उन्होंने दिया? पहली बार मैं ये कहूँगा एक अच्छी सोच के साथ में, कि वैसे तो हम वकीलों को अलाउड ही नहीं करते हैं कि हम जिला पुलिस अधीक्षक के सामने परिवाद प्रस्तुत करें, लेकिन आज मेरे साथी जो थे उन्होंने निवेदन किया, जिस कर में गया माननीय एसपी साहब का बहुत ही पॉजिटिव रवैया रहा, तुरंत एफआईआर के आदेश दिए और कड़ी कार्रवाई करने की हमको आश्वासन दिलाया गया कि उनकी तरफ से सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी, और तुरंत एफआईआर के आदेश प्रदान किए, जो मेरी नज़र में बहुत ही अच्छा। इसके लिए मैं माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान कुंवर राष्ट्रपति साहब का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आईपीसी की धारा के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं लगती है और क्या सजा का प्रावधान है? आईपीसी के अंदर इन्होंने कुल मिला के बहुत सारी धाराओं के अंदर अपराध कारित किए, जिसमें 7 साल तक की सजा के कारावास है, जिसमें 120 भी है, कुल मिला के 420 है। इसके अलावा कुल मिलाकर इसमें कूट रचना करना, कूट रचित दस्तावेज पेश करना, उनको कूट रचित दस्तावेजों को असल की तरह पेश करना, इस तरह की सारी धाराएं इनके ऊपर लग रही है। प्रसून पंड्या, हाँ जी बताए, किस तरह से आप उनके संपर्क में आए और संपर्क में आने के बाद जब आपको लगा कि आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया और किस तरह से वो आपको वादा करके आगे आगे बढ़ाते हैं? लगभग हम इन लोगों से 10 से 12 महीने से टच में हैं, और मैं भी इसमें जॉब के कारण आया था, तो एज ए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इन्होंने अपॉइंट किया था मुझे, और जब हमने उनको एज ए ट्रेनर, उन्होंने बोला मैं और दिलीप जी करके थे जो हम इनको ट्रेनिंग देते थे, ऑफिस का पूरा माहौल था, ऑफिस बकायदा सेटअप हुआ अच्छा, सेक्टर 14 पिंक कॉलोनी में फर्नीचर वगैरह लगा हुआ था और सब कुछ, जो स्टाफ जिस तरह से एक ऑफिस में काम करता है वो पूरा स्टाफ वहाँ था, और पहले पैसों की कोई बात नहीं थी। जब हम वहाँ लगे थे तो उन्होंने कहा था नहीं, कोई पैसों की बात नहीं है, सिर्फ एक सिक्योरिटी अमाउंट लिया जाएगा, जिसमें हमारी भी जो जितनी सैलरी उतना सिक्योरिटी अमाउंट था फर्स्ट मंथ की सैलरी के अनुसार, तो हमने भी अपने चेक वगैरह और वहाँ जमा करवा रखे थे सिक्योरिटी के हिसाब से। लेकिन जब 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 आगे बढ़ते गए, 1 महीना हुआ 2 महीना हुआ, तो लोगों के रिज्यूम इकट्ठे हुए, करीबन 6 से 7 हजार रिज्यूम हमने इकट्ठे किए एडवर्टाइजमेंट के थ्रू,
उसके बाद जब हुआ तो वसीम जी और आरिफ जी और उनका ये कहना था कि आगे से अपन को किट दिया जाएगा, जिस किट में लैपटॉप होगा, दो ड्रेस कोड होंगे, पेन डायरी वगैरह होगी, बैग्स होगा और जो भी अपन बच्चों को पढ़ाएंगे उनको पढ़ाने की पूरी सामग्री होगी। उस सिक्योरिटी के लिए अपन जैसे मोटिवेटर का 12,500 वेतन था तो 12,500 उनकी सिक्योरिटी रखी जाएगी और जिस जिस का जो डेजिग्नेशन होगा उस अनुसार उसकी सैलरी का फर्स्ट मंथ की जो सैलरी है वो सिक्योरिटी के रूप में रखी जाएगी, जो काम होने के बाद एनजीओ का प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद रिफंडेबल रहेगी, ये हमको जासा दिया गया। लेकिन जब हमने वहाँ देखा, मैंने उस चीज़ का विरोध भी किया पूरे स्टाफ के साथ कि सर आपने जो कहा था कमिटमेंट वो तो बिल्कुल अलग है, तो उन्होंने मेरे को ये कह के बैठा दिया कि तू होता कौन है मेरे को बोलने वाला, यहाँ का जीएम तो मैं हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब आगे आगे हम बढ़ते गए तो हम जयपुर, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक की टीम आ रही है, हमारी पूरी टीम जयपुर भी गई, लेकिन वहाँ न वर्ल्ड बैंक की टीम आई न कुछ भी नहीं आया और न ही हमको यहाँ सैलरी मिली। आज 9 महीने हमको हो गए पूरे स्टाफ को लेकर, कोई सैलरी मिली कुछ भी नहीं मिला। हमारे साथ इतने 700 से 800 लोग मोटिवेटर हैं तो हमने उनके कहने अनुसार आदेशों पे काम किया, लेकिन जब हमको पता पड़ा कि नहीं ये फ्रॉड की बू हमको आने लगी तो 3 महीने से उन लोगों ने ऑफिस को मैं आना जाना बंद कर दिया, हम स्टाफ लोग ही उसको संभालते थे, फोन वगैरह सब हमारे पास आते थे और फिर एक रात उन्होंने पूरा ऑफिस गायब कर दिया, बिल्कुल खाली कर दिया। बोलिए। मेरा नाम गीता मीनारिया है, जयपुर से हूँ। कुछ समय पहले पेपर में ऐड आया था जॉब के लिए, तो हमने भी जॉब के लिए अप्लाई करी थी यहाँ पे, वहाँ पे हमें जॉब के लिए कहा गया था, जॉब मिली लेकिन करते करते जॉब तो दे दी लेकिन ना तो सैलरी दी हमको और नहीं हमें जो ड्रेस कोड वगैरह दिए जाते वो दिए गए। किसी तरह के दस्तावेज एग्रीमेंट पे कोई साइन करवाया था आपने? वो हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह लिए थे और 50 रुपये स्टाम्प हमें करवाया था, पुलिस वेरिफिकेशन करवाई और चिकित्सा का भी वेरिफिकेशन सब करवाया था, सब जैसे करते हुए सब करते गए लेकिन हम समझे वह सही होगा सही होगा, लेकिन धीरे धीरे बाद में पता चला कि ये तो फ्रॉड होता जा रहा हमारे साथ। फिर और इसमें आरिफ जी और सीताराम जी और वसीम खान जी तीनों थे और इन्होंने मिलके हमारे साथ किया और जब धीरे धीरे हम फ़ोन लगाते कुछ करते थे स्विच ऑफ आते थे, कोई जवाब नहीं उनका और न ही कोई सैलरी दी, सैलरी का कुछ पता कुछ नहीं, और ये दोनों मिलके आपस में हमें गुमराह, वो कहे वो जाने, वो बोले वो जाने और कुछ इसका अभी तो कोई सेंस नहीं। नाम के मेरा नाम नीलम भट्ट, मैं भी उदयपुर की निवासी हूँ। जैसा कि दीदी ने बताया उसी तरीके से एक विज्ञापन आया था, हम लोग इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यू हुआ, नौकरी अपॉइंट की गई, ऑफर लेटर दिया गया, ऑफर लेटर मेंबरशिप फीस के रूप में हमसे 5,000 रुपये लिए गए और सब वर्क वगैरह बताया गया, एज अ मोटिवेटर गांव के अंदर ड्रॉप आउट बच्चों को पढ़ाना था, एज अ टीचर हमें अपॉइंट किया गया, वर्क वगैरह सारा समझा दिया गया, लेकिन उसके बाद सैलरी वगैरह का कुछ नहीं और वो लोग गायब हो गए। एक दिन पेपर में न्यूज़ आई कि आरिफ खान और वसीम खान ने सीताराम जी, जो सीताराम है उनके ऊपर केस किया है और फिर सीताराम ने उल्टा वसीम और आरिफ के ऊपर केस कर दिया, कुल मिला के इनका गड़बड़ घोटाला और हम लोगों को फंसा कर ये लोग गायब हो गए। दिलीप कुमार जैन मेरा नाम है। किस तरह की आप गतिविधियां वहां करते थे और क्या आपका वहां कार्यभार था, और उसके बाद जब आपको पता लगा कि कहीं ना कहीं फोर्जरी हो रही है तो फिर आपने किस तरह से इन लोगों को समझाने का प्रयास किया? वहां पे मैं आरएम पद पे था और हमारा काम रहता था लड़कों को ट्रेनिंग देना, जो लड़के वहां पे आते थे ज्वाइनिंग लेते थे, ज्वाइनिंग लेने के बाद में उनको ट्रेन किस प्रकार से आपको काम करना है, कैसे फील्ड में काम करना है, मोटर का काम क्या रहेगा, तो वो लोगों को हम ट्रेनिंग देके समझाते थे। अब जैसा कि मैं बात करूं कि बहुत सारे यहाँ पे लोग थे, वो बहुत सारे मेरे दोस्त थे, बहुत सारे परिचित थे, अब उन लोगों को हमने यहाँ पे ज्वाइन करवाया, उन लोगों ने यहाँ पे काम करना शुरू किया और काम करने के बाद भी 2 महीने 4 महीने 6 महीने समय निकलता गया, समय होने के साथ में कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं के साथ भी ठेस किया गया, उन लोगों के साथ भावनाओं का ठेस किया गया। हम अगर बात करें तो हमें 1 महीने की अभी तक सैलरी कोई नहीं मिली है, हमें बिना पैसा, क्योंकि हमें एक आश्वासन दिया कि बस शुरू होने वाला है, हमने भी ये आश्वासन नीचे तरफ देते रहे, लेकिन अब माहौल इस कदर का हो चुका है कि हम लोगों को जवाब देते थक गए हैं। अभी तक उन्होंने कोई हमें कार्यकलाप नहीं किया, कोई हमें बताया नहीं अब कुछ होने वाला है। अब सीधे सी बात करें कि जब इतना सारी चीजें हो गई और हम जो ऊपर वाले से पूछे थे, हम आरिफ सर हो गए, वसीम सर हो गए, उनसे पूछे सर क्या हो रहा है आप कुछ बताएं, उन्होंने कहा हमारी सीताराम से बात हो रही, सीताराम जी जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है यहाँ पर और वो उनको निर्देशन देते थे, आरिफ जी और वसीम जी, आरिफ जी हमको यहाँ बताते थे ऑफिस टाइम में ये चीज करनी है, आपको ये चीज होना है। तब थोड़ी देर बाद पता चला कि एक बार रातों रात उन्होंने ऑफिस गैप कर दिया यहाँ पे, हमने पूछा क्या हो गया कि फिर उन्होंने बबलो थाना में केस दर्ज कराया, केस दर्ज कराने में उन्होंने बोला कि एनजीओ फर्जी है और सीताराम भी फर्जी है।
कि हमको तो बोला गया वो सीताराम, वो उन्होंने बोला कि सीताराम कहता है कि हमारा काम ही फर्जी काम करना है और तुम भी फर्जी करो, नहीं सुना छोड़ दो। जब उन्होंने एफ आई आर दर्ज कराई तो सीताराम बोला ने जयपुर में वैशाली नगर में उन्होंने खुद की अपनी एक एफ आई आर दर्ज कराई कि आरिफ ने सब पैसों का गबन किया है और आरिफ ही चोर है, ये बात चल रही है। किस तरह के दस्तावेज आप इनसे लेते थे अगर कोई नया आपके यहाँ ज्वाइन? अगर बात करें आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक फोटो चाहिएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स 10th 12th कॉलेज के डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका कैडेट सर्टिफिकेट चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन चाहिएगा और 50 रुपए का स्टाम्प चाहिएगा। ये चीज़ हम डॉक्यूमेंट पर लेते थे और ये डॉक्यूमेंट हम आगे लेके आगे जयपुर फॉरवर्ड करते थे। आप सब मेरी बात सुन लीजिए, आप एक ही बात कहूँगा, जो लोग दूर के घर दूर है जो होते हैं वो जिनके पास बाइक है, एक बाइक पे तीन दिन हो गए, तीन दिन हो जाए कुछ लोग आज के नजदीक है, तो उनसे आशा करता हूँ कि वो गौतम दास था, मेरा यहाँ तक का काम था, आगे भी रहूँगा, इस बात की है, जिंदा हूँ।